हरे कृष्णा। हमारे वैदिक धर्म का आधार हमारे शास्त्र, सिद्धांत, साधु और सदाचार हैं। इनके माध्यम से हम एक आदर्श सनातन धर्म और समाज की स्थापना करते हैं। हमारी सनातन शिक्षा के अनुसार मनुष्य का जीवन सबसे मूल्यवान है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों में से निकलने के बाद प्राप्त होता है, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना और गंतव्य को प्राप्त करना है, जिसके माध्यम से वो इस विभिन्न योनियों और जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सके। हमारी शिक्षा प्रणाली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 स्तर पर बात होती है। मनुष्य के जीवन में ये 4 पड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और ये ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, वही एकमात्र ऐसा द्वार है जो हमें इस भौतिक अस्तित्व से आध्यात्मिक अस्तित्व में प्रयाण करा सकता है, क्योंकि इसी मनुष्य देह में हमें बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकते हैं, अपने अस्तित्व के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे अगले गंतव्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इस आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करने में हमें सहायक होती है अत्यंत पवित्र एकादशी तिथि, जो कि प्रत्येक मास में 2 बार आती है। एकादशी के विषय में हमारे अनेक शास्त्रों में अनेक स्थान पर गुणगान गाए गए हैं। ये एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति भी प्रदान करती है। हमारे प्रत्येक शास्त्रों में एकादशी व्रत के समान ना तो कोई अन्य व्रत की तुलना की गई और ना ही महात्म्य गाया गया है। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए बना है, स्वयं की सही पहचान ढूंढने को बना है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जागृत होने के लिए बना है। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी भी एकादशी तिथि की महिमा मंडन करने में संकोच नहीं करती है। हमारे सभी वैदिक शास्त्र और पुराण एकादशी तिथि की भूरी भूरी प्रशंसा एक स्वर में करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाकी सभी व्रत, पर्व और त्योहार मनुष्य को हर प्रकार के सुख, समृद्धि और कीर्ति देने का वचन देते हो, लेकिन एकादशी इन सबसे ऊपर है, क्योंकि वो इस नश्वर जगत में स्थायी सुख देने का वचन देती है, और ये स्थायी सुख है परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति और इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। भौतिक सुख सुविधाएं आपको इस जन्म में सुख दे सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद जैसे ही शरीर छूटा, सारे धन संपत्ति भी छूट जाएगी, लेकिन एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जो मनुष्य के शरीर को छोड़ने के बाद भी उसके साथ रहती है, और ये भक्ति हमें कौन प्रदान कर सकता है? तो वो हमें मिलती है प्रमाणभूत गुरु की कृपा से, वैष्णवों के संग से, वैदिक नियमों के पालन से, तुलसी देवी की सेवा से और एकादशी व्रत का पालन करने से। ऐसी ही अत्यंत मंगलाकारी एकादशी तिथि आ रही है बस कुछ ही दिनों में, और ये एकादशी है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव शयनी एकादशी। इसे देवपोड़ी एकादशी या फिर शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं, और इसलिए इस 4 मास को चातुर्मास का वो समय माना गया है जब आध्यात्मिक साधक को अधिक से अधिक अपनी साधना, जप, तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। इस बार ये देवशयनी एकादशी आ रही है 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 3:59 पर और सूर्योदय होगा 5:35 पर। शयनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर यानी 18 जुलाई 2024 गुरुवार को व्रत पारण करने का समय है 5:36 से लेकर 10:14 के बीच में। द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 बजे और सूर्योदय होगा 5:36 पर। इस दिन द्वादशी रात को 8:46 तक रहेगी, और इस आने वाली देव शयनी एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है और जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की इस एकादशी कथा का श्रवण करता है,
उसके सहस्त्र पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे परम भगवान की विशेष कृपा और सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। कई लोग चातुर्मास व्रत का आरंभ इसी देवशयनी एकादशी से करते हैं। ऐसे में उन्हें देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास के लिए भी साथ ही संकल्प लेना चाहिए। देखिए, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे भिन्न है, क्योंकि इसमें कर्म कांड युक्त पूजा और विधि विधान की जगह पे व्रत करने वाले की श्रद्धा और उसकी मानसिक चेतना पर विशेष भार दिया जाता है। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है और भले ही आप कोई पूजा विधि नहीं कर पा रहे, लेकिन आप संपूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करते हैं, अपनी चेतना को सात्विक बनाए रखते हैं, तो आपका व्रत करना सफल रहा। लेकिन उससे विपरीत, आपने व्रत करके सभी पूजा विधि विधान कर लिए, लेकिन आपने उस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया, अपनी चेतना में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी अनर्थों को लेकर दिन व्यतीत किया, तो आपका व्रत करना असफल रहा। यही है एकादशी व्रत पालन करने का मूल मंत्र। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें, अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जल जल के साथ, फल और दूध के साथ या फिर एकादशी प्रसाद लेकर भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो दाल, चावल, गेहूं, बाजरा, मकाई या किसी भी चीज का हो या फिर किसी भी चीज से बना हुआ हो। यदि आवश्यकता लगे तो आप दूध, फल, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, किसी प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करिए, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करिए। इस दिन तुलसी सेवा और गौ सेवा भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन अनावश्यक बातों और व्यर्थ के कामों में अपना समय ना गवाएं। प्रयास करें कि टीवी, मोबाइल और भौतिक कार्यों से स्वयं को दूर रखें। जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करें। किसी के साथ वाद विवाद में ना फंसे, क्रोध पर नियंत्रण रखें, असत्य वचन ना बोले, किसी की निंदा और ईर्ष्या भी ना करें। अगले दिन द्वादशी पर विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग तैयार करें, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकते हैं और स्वयं भी उसी प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। इस एकादशी के पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम नियमित रूप से एकादशी से जुड़े सारे अपडेट्स देते रहते हैं। इस विशेष देवशयनी एकादशी की व्रत कथा भी इसी चैनल पर आएगी, उसे एकादशी के दिन अवश्य सुने। इससे आपको भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ परम आध्यात्मिक पुण्य फल भी प्राप्त होगा। तो चलिए इस परम पावनी देवशयनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करते हैं। हरे कृष्णा।